हेलो एवरीवन, हमारी तीन ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, एच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। जो नेक्स्ट मेथड है आपका एलकेन के प्रिपरेशन के लिए, वो है कोलबे सिंथेसिस। कोलबे सिंथेसिस, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड भी कहते हैं हम। इसमें हम कंसंट्रेटेड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो इसमें कंसंट्रेटेड सोडियम सॉल्ट जो रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड में। तो इसमें हमको एल्केन जो है आपका एनोड में मिलता है। जैसे हम इसको रिएक्शन लिख लें, 2RCOONA, इसको हम हाइड्रोलिसिस करें और इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हमको जो मिलेगा वो है आपका R+2CO2। ये मिलेगा हमको एट एनोड और कैथोड में हमको मिलेगा 2NaOH+S2, ये एट कैथोड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एनोड में हमको एल्केन मिलता है। तो हम इसको रिएक्शन को देख लें, जैसे 2CH3COONA, इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें टू इलेक्ट्रोड के बीच में तो हमको CH3+2CO2, ये मिलेगा हमको एट एनोड प्लस 2NaOH और H2, ये मिलेगा हमको एट कैथोड। तो हम यहाँ पर जो सोडियम सॉल्ट यूज कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करें तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वीक एसिड है और वीक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से नहीं होता, कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता। तो हम इसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं। तो सोडियम सॉल्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो आसानी से इलेक्ट्रोलाइसिस उसका होता है, इसलिए हम उसको सोडियम सॉल्ट को यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में। तो हमको एनोड में एल्केन या इसमें इथेन प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये भी जो है जो मेथड है, मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एंड इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन। तो ये भी ए मेथड भी आपका जो कोलबे मेथड है उससे भी हम सिमेट्रिकल एल्केन या फिर इवन नंबर जो होता है जिसमें एल्केन में उसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है आपका जो है छठवा मेथड, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट जिसको हम एल्काइल
मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। जब हम एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन ईथर सॉल्वेंट में, तो आपका आर एम जी एक्स, तो ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आर एम जी एक्स, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करें, जैसे आर एम जी एक्स एच ओ एच, इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करें, तो हमको आर एच प्लस एम जी ओ एक्स एच। तो यहाँ हम ये आर एच मीन्स हो गया आपका एल्केन, और एम जी ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड मिला। अब इसको हम रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं, जैसे आपका सी एस थ्री एम जी पी आर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमको मिलेगा आपका सी एच फोर मिथेन प्लस एम जी ओ एच बी आर। तो ये मेथड है जिसके थ्रू हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोलिसिस करके एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये छह मेथड हो गए जिसके थ्रू हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। आपका जो सातवां मेथड है वो कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस, उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस से एल्केन का प्रिपरेशन होता है।